सो गाइस नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि अगर आप बजाज एलाइन लाइफ इंश्योरेंस के न्यू आईसी हैं तो आपको कैसे बिजनेस वॉल्यूम निकालना है, कैसे बीआई निकालना है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने कैसे बिजनेस वॉल्यूम निकाला है, कैसे बीआई निकाला है और आपको क्या क्या उन सावधानियों को बरतना है जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो बस वीडियो पे बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आप आसानी से घर बैठे समझ जाएंगे कि कैसे बिजनेस वॉल्यूम निकालना है। और आप हमारे YouTube चैनल सिंघानिया मोबाइल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है हमको, बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस का अनबोर्डिंग वाला जो ऐप होता है उस सॉफ्टवेयर को खोल लेना है। स्मार्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप आई स्मार्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने एक पेज क्रिएट होगा, तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से यस और नो आपसे आइकन पूछेगा, आपको क्या करना है यहाँ से क्लिक कर देना है, यहाँ से नो पे मेंशन कर देना है। जब कुछ इस तरह से खुल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ जो बाएं साइड में थ्री डॉट है बिंदु, उस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह स्क्रोल करना है और क्यूआर कोड एक दिख जाएगा, ये जो क्यूआर कोड है इसको हम ओपन कर लेंगे। जब आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारा जो इसका मेन जो साइड है वो ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस हमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, 3/3/1993। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ से निकालना रहेगा उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ मेंशन करना है। व्हाट इज योर एनुअल इनकम, इसमें आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं उस व्यक्ति का इनकम के हिसाब से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, लिखना है योर एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर, तो यहाँ पे आप 0 दे देंगे। उसके बाद फिर पूछेगा व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू इन, तो यहाँ से आपको पूछेगा, तो बस मैरिड है तो मैरिड पे, यंग है तो यंग पे क्लिक कर देना है। इस तरह थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर चलेंगे, लिखेगा व्हाट इज योर लाइफ गोल, तो यहाँ पे आप अपना ड्रीम होम करेंगे कि मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक बढ़िया घर हो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, व्हाट रिस्क स्ट्रेटजी डू यू प्रेफर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से हम मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। जब मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा बस इतना आप जब इसमें डाल दोगे तो लिखेगा नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। बस जैसे ही ये करेंगे तो कुछ इस तरह से फिनेंशियल नीड एनालिसिस खुल जाएगा, आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं वो सब यहाँ ओपन हो जाएगा, लेकिन हमको ये पहला नंबर है यस योर वेल्थ गोल प्लेटिनम स्मार्ट इनकम, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा यस योर वेल्थ गोल प्लेटिनियम रेगुलर इनकम, थोड़ा स्क्रॉल फिर करेंगे तो आ जाएगा बजाज एलाइंस लाइफ एस, उसका थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स बजाज एलियंज लाइफ एस विथ गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट। बस हमको इसी जो प्लान है इसी प्लान को ओपन करना है, क्योंकि अभी सबसे बढ़िया इनकम यही दे रही है, हमको यहां से सेलेक्ट पे ओके कर देना है। कुछ इस तरह से हमारा ओपन होके आ जाएगा। हमको क्या करना है, पॉलिसी होल्डर का डिटेल्स सर्च करना है, लिखना है। सबसे पहले हम इसमें नाम लिखेंगे, तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं सुमन। उसके बाद आप मीडियम नाम होगा तो मीडियम में भी लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ हम लास्ट नेम लिखेंगे कुमार। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल है, तो चलिए भैया मेल है तो मेल पर क्लिक किए। उसका थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक पिन कोड मांगेगा, यहाँ हमें पिन कोड दे देना है 84 31 28। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल आप जब करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो पिन कोड होता है वो किस स्टेट का है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे सेल पर्सन स्टेट, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक चूज करना पड़ेगा मैनुअल, आप बिहार के हैं कि दिल्ली के हैं कि कहाँ का वो पिन कोड है, वो पिन कोड यहाँ हमने सर्च किया। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है, तो चलिए हम यहाँ पे ईयरली इनकम कर देंगे क्लिक, और साथ में एक वेल्थ, ये दो जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसी दो पे हमको चेक मार्क करके रखना है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आई बिल पे प्रीमियम फोर, तो हम यहाँ 12 साल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें 12 साल प्रीमियम जमा करना है। उसके बाद पॉलिसी टर्म आएगा, तो पॉलिसी टर्म में आप यहाँ आप मैच्योरिटी एज 85 दे सकते हैं, यानी कि जो प्रीमियम जिनका होगा पॉलिसी उनकी उम्र 85 साल तक का ये रिस्क कवर होने वाला है,
और साथ ही 85 साल के अंदर, 85 साल जब हो जाएगा तब उसकी मेच्योरिटी अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है इनकम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एनुअल रहने देंगे यानी कि साल में रिटर्निंग, साथ में ऑटो पे बेनिफिट, तो यहाँ हम क्या कर देंगे यस, चूंकि ऑटो पे बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहा है एग्जिटिंग कस्टमर बेनिफिट, यानी कि ये जो है तो नो रहने देंगे, यानी पूछ रहा है कि पहले से आपका उस पॉलिसी होल्डर का कोई पॉलिसी चल रहा है बजाज में या फिर नहीं चल रहा, तो हम यहाँ नो रहने देंगे। साथ ही उसके बाद प्रपोजर रिलेशनशिप सेल्फ रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे ये देख सकते हैं प्रीमियम यू विल पे, यानी 5150 सेलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ट्रीट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो है कुछ इस तरह से डाटा खुल के आएगा। इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो पॉलिसी धारक है उसको जो साल का जो रिटर्निंग बोनस अमाउंट है वो इसी साल से चाहिए या फिर 5 साल बाद। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश ये करेंगे, चूंकि हम न्यू आईसी है तो कोशिश यही करेंगे कि हम अगले ही साल से उनका पेंशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो जैसे है जीरो तो जीरो ही रहने देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमको प्रीमियम प्रोपोरेशन पे जाना है। ईयरली इनकम इसको हमको कर देना है 95%। उसके बाद वेल्थ वाली जो मेच्योरिटी राशि जो हमें मिलेगी वो हम मात्र सेलेक्ट करेंगे 5%। तो चलिए हम यहाँ से 5% सेलेक्ट कर दिए हैं करना है, और उसका जनरेट बिल पे सेलेक्ट कर देना है। जब आप इतना करेंगे तो इसकी जो पूरी कुंडली होती है वो सारा का सारा डाटा आपको खुल के मिल जाता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, वो आपके नेट के स्पीड पे होता है कि कितना जल्दी ओपन होके हमारा आता है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। इस तरह से हमारा बजाज एलियंज लाइफ का जो है पूरा बॉन्ड पेपर खुलता है, उसमें हमारा सारा नाम देखने को मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स मिल जाएगा, पॉलिसी टर्म यानी मेच्योरिटी डेट मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम क्या है, कितना जमा करना है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ भी हमारा इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विथ फर्स्ट ईयर जीएसटी के साथ 5274 आएगा, दूसरे ईयर हमारा 5266 रुपया ही जमा होगा हर महीने महीने। तो चलिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम नीचे आएंगे यहाँ पे पॉलिसी ऑफ ईयर दिखेगा, मात्र एक से लेके हमको 12 साल तक जमा करना है, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला 12 साल तक। उसके बाद हमारा जो बीमा जो होगा डेथ बीमा जिसको बोलते हैं सम एश्योर्ड राशि, तो 6,47,428 रुपया का ये हो रहा है, यानी कि हमारा जो अगर किसी भी कारणवश एक पॉलिसी जमा करते अगर मृत्यु हो जाती है तो 6,47,428 रुपया ये हमारे नॉमिनी को मिल जाती है उसके उनके अकाउंट में। और सबसे बात क्या है कि स्क्रॉल इस तरह करेंगे और चलेंगे 17 नंबर कॉलम जो है उस पर ध्यान देना है, ये हमको 24,022 रुपया हर साले 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 हर प्रत्येक साल हमको मिलता रहेगा। कितने साल तक मिलेगा तो हम स्क्रॉल यहाँ कर लेंगे और लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, 54 साल तक हमको ये जो अमाउंट है पेंशन की राशि 24,022 रुपये ये प्रत्येक साल मिलती रहेगी। तो चलिए जब हमारा ये जो टाइम पुट जाएगा, जब हम 85 साल के आज से हो जाएंगे, मेरा उम्र टोटल 85 वर्ष, तब हमारा जो अमाउंट मिलेगा 22,37,905 रुपया, ये हमारी मेच्योरिटी राशि हो गई। अगर हम इन दोनों राशि को अगर हम फ्रेंड्स टोटल कर देते हैं तो 35,35,907 रुपया कुछ ऐसा समथिंग जो है आपको हो जाएगा। इन दोनों राशि को आप कैलकुलेट कर लेंगे, साथ ही मैंने बता दिया कि ये जो है बीमा राशि ये 6,47,428 रुपया हो जाएगी और जो प्रीमियम आपको जमा करना है सिर्फ और सिर्फ 5274 रुपया ही जमा करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स BI निकल के हो जाता है रेडी, और इसमें कहीं विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बस इस BI को एक डायरी पे मेंशन करके कस्टमर को बता देना है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा था छोटा सा एक, यहाँ से आप अगर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसको आप ओपन कहाँ करना चाहते हैं, तो हम EMI के PDF व्यूअर में करना चाहते हैं। चलिए ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इस तरह का हमारा बॉन्ड पेपर पे भी दिख के आपको मिलने वाला है, जो हमारा मोबाइल में दिख रहा है वही आपको बॉन्ड पेपर पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यू IC के लिए ही मैंने बनाया है, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और अपने जो सेल्स मैनेजर होते हैं उनको भी ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस छोटा सा एक वीडियो आप देखेंगे और आसानी से BI निकालना समझ सकते हैं।
तो आपको क्या मेंशन करना है, सबसे पहले उनका नाम नोट करना है, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, उसके बाद उनका पिन कोड मेंशन करना है। ये तीन चीज हमको इसमें डालना होता है, तो इतना आप जरूर मेंशन कर लेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि उनका मोबाइल नंबर भी मेंशन कर लेंगे, ताकि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो उनके मोबाइल नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा छोटा वीडियो, जरूर कमेंट्स करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।